वेल, गामा फंक्शन स्कोर आगे बढ़ाते हुए अब डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शंस। गामा फंक्शंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो क्या क्या है उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, शो दैट गामा एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स टू द पावर वन अपॉन एन डी एक्स वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो। आइए जी इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे है ये। कम टू द प्रूफ, स्टार्ट विद द गामा फंक्शन। डेफिनेशन गामा फंक्शन की मैंने आपको बताई थी, लिमिट बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ द इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स वेयर एन इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ऐसा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे मालूम है जी, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, करेक्ट। अब आइए इसमें कुछ इंटीग्रेशन इसको करने की कोशिश करते हैं। हमने पुट किया x टू द पावर n इज इक्वल्स टू समथिंग, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू dt, करेक्ट। यानी dx की वैल्यू जो मेरे पास आई, दैट dx इज इक्वल्स, या dx नहीं करो, ऐसा करो x टू द पावर n माइनस वन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन n, करेक्ट। आइए देखते हैं इसमें गामा n लिमिट मेरे पास जीरो टू इन्फिनिटी रहने वाली है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया जी, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स मेरे पास है, एक्स को मैंने टी टू द पावर एन पुट किया है, नहीं एक्स टू द पावर एन को टी पुट किया है सॉरी, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू टी, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया t टू द पावर 1 बाई एन। तो नेगेटिव x जो हो गया वो आपके पास नेगेटिव दिस हो गया, तो e रेज टू द पावर नेगेटिव t टू द पावर 1 अपॉन n, और ये जो आपके पास x टू द पावर n माइनस 1 dx, इसका रिजल्ट हमने निकाला dt अपॉन, यानी हमारे पास आ गया गामा एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन इंटीग्रेट बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर नेगेटिव टी टू द पावर वन अपॉन एन इंटू डी टी। अब अगर इसमें टी के प्लेस पर एक्स पुट कर दूं तो मेरे पास उसी को ही मैं लिख सकता हूं, गामा एन इज इक्वल्स 1 अपॉन एन इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स टू द पावर 1 ओवर एन डी एक्स, यही तो रिजल्ट था मेरा। तो गामा एन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब अगर मैं इसका कुछ एक पर्टिकुलर केस भी कंसीडर करूं, अभी पीछे हमने गामा हाफ का रिजल्ट प्रूव करके दिखाया था, तो अगर मैं एन के प्लेस पर हाफ पुट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा टू टाइम्स इंटीग्रेट बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो गामा हाफ को कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, गामा हाफ पीछे हमने प्रूव करके दिखाया था तो उसमें रिजल्ट या आउटपुट आई थी हमारे पास, ठीक है।
तो गामा हाफ कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसी तरीके से अगर आप n के प्लेस पर कोई और वैल्यूज भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे ये आपके पास एक जनरल फार्मूला और उससे डिफरेंट रिजल्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं जी। इज इट फाइन? राइट, आइए एक और फॉर्म पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जी। देखिए जी, ये है वो फॉर्म, क्या है देखते हैं, पहले इसे पढ़े। 0 to infinity e raised to the power minus kx, x to the power n minus 1 dx is equals to gamma n divided by k to the power n, where n is positive and k is also a positive quantity. Correct. तो start करते हैं इसको भी by the definition of the gamma function. Start by the definition of gamma function तो गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन था, गामा एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 to infinity ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब आप यहां देख रहे हैं नेगेटिव एक्स और जो रिजल्ट मेरे पास है ई रेज टू द पावर नेगेटिव के एक्स। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं x की जगह सम kt, x के प्लेस पर kt पुट कर देते हैं, जिससे dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा, k into dt। और वहां मेरे पास x टू द पावर n माइनस वन है, यहां पर देखें तो x का रिजल्ट ये, और अगर x की पावर n माइनस वन करूं तो इसका मतलब k की पावर भी मुझे n माइनस वन कर लेना चाहिए और t की पावर भी n माइनस वन कर लेना चाहिए। x की पावर x इज इक्वल टू kt, x टू द पावर n माइनस वन का मतलब k टू द पावर n माइनस वन एंड t टू द पावर n माइनस वन। राइट, लिमिट को चेक करें, जीरो पुट करेंगे x का वैल्यू, t भी जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे t भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है जी। तो जीरो टू infinity e raised to the power negative kt and x की power n minus 1 को हमने लिखा k to the power n minus 1 t to the power n minus 1 और dx को लिखा हमने k into dt। right, तो देखिए जी क्या हो गया, ये k की power n minus 1, ये k की power वन ये, तो दिस इज के टू द पावर एन इंटीग्रेट बिटवीन 0 to infinity ई रेज टू द पावर नेगेटिव के टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी। ये गामा एन आ गया जी, करेक्ट। अब यहां तो लिमिट 0 to infinity है, अगर टी के प्लेस पर एक्स भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मेरे पास रिजल्ट हो सकता है गामा एन इज इक्वल्स टू k to the power n integrate between 0 to infinity e raised to the power negative kx and x to the power n minus 1 dx। और अगर मैं इसका रिजल्ट निकालना चाहूं तो k की पावर n अपॉन में ले आइए जी, यानी फाइनली मेरे पास आ गया integrate between 0 to infinity e raised to the power negative kx x to the power n minus 1 dx is equals gamma n divided by k to the power n। Is it fine? तो यही चाहिए था जी मुझे, यही रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए था। ये देखिए जी, ये रिजल्ट मेरे पास ऑब्टेन हो गया जी, करेक्ट। याद रखना इस रिजल्ट को भी मुझे डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज करने के लिए। आइए एक और फॉर्म देखेंगे, देखिए जी क्या है ये फॉर्म। शो दैट गामा एन इज इक्वल्स टू 0 to 1 log ऑफ 1 over x टू द पावर n माइनस 1 dx, वेयर n इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
आइए जिसका भी प्रूफ स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन जो कि मेरे पास था, इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस 1 dx, जहां पर n एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जी। ठीक है, अब देखें लॉग की टर्म में लाना है जी, और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इस बात को माइंड में रखते हुए मैंने क्या किया, पुट कर दिया e रेज टू द पावर माइनस एक्स को मैंने सम टी पुट कर दिया। तो अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स एक माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो डी एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, डी टी डिवाइडेड बाय नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स, और इसे आपने टी पुट किया था तो डी एक्स को आप लिख सकते हैं नेगेटिव डी टी अपॉन टी। तो इस dx के प्लेस पर तो नेगेटिव dt टी अपॉन टी मेरे पास आ जाएगा। अब यहां से e टू द पावर नेगेटिव x को तो मैंने t पुट कर दिया, लेकिन अब इस x को कैसे पुट करूं जी, आइए देखते हैं इसको भी। तो e टू द पावर नेगेटिव x इज इक्वल्स टू t, अगर मैं यहां से नेगेटिव x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा log ऑफ t। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई नेगेटिव लॉग टी, या एक्स की वैल्यू हो गई लॉग ऑफ वन ओवर टी। लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है आप लोगों को, x का वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया जी। आइए जी अब बढ़ते हैं इस गामा फंक्शन की तरफ। दिस गामा n इज इक्वल्स टू लिमिट मेरे पास 0 टू इंफिनिटी, यहां आपके पास 0 है, अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास लिमिट आ जाएगा 0 e टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, और e टू द पावर नेगेटिव इंफिनिटी ये 0, तो लिमिट मेरे पास हो गया 1 से 0। e टू द पावर माइनस एक्स को मैंने पुट किया था t, x टू द पावर n माइनस 1 का मतलब हुआ log ऑफ 1 बाय t उसकी पावर n माइनस 1, और dx के प्लेस पर मेरे पास आ गया नेगेटिव dt अपॉन t। करेक्ट, अब इस t से इस t को कैंसिल कर दीजिए, और ये जो नेगेटिव साइन है इससे लिमिट चेंज कर दीजिए, 1 टू 0 को 0 टू 1 कर लीजिए, और आपके पास आ गया log ऑफ 1 ओवर t टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी टी। अब चाहे तो इसे x की टर्म में भी लिख लीजिए, तो गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू 1 log ऑफ 1 ओवर x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। राइट, यही रिजल्ट मुझे प्रूव करके बताना था जी। राइट, आइए एक फॉर्म और सब्सिट्यूट प्रूव करके दिखाते हैं। वो क्या है जी, गामा एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू इनफिनिटी ई टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डी एक्स, एन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आइए जी इसका भी प्रूव करके दिखाते हैं जी। वी स्टार्ट बाय द डेफिनेशन। Start by the definition, gamma n is equals to integrate between 0 to infinity e raised to the power minus x and x to the power n minus 1 dx for n greater than 0. अब यहां पर आपको e raised to the power negative x square दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो, इस x की जगह t square put करो, लेट कर लो
एक्स इज इक्वल्स टू सम टी स्क्वायर, तो dx कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2t इंटू dt, राइट। तो देखिए जी, गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर, नेगेटिव x की जगह t स्क्वायर पुट किया तो e रेज टू द पावर नेगेटिव t स्क्वायर, और x की वैल्यू आपके पास t स्क्वायर है तो x की पावर कितना हो गया जी, x की पावर यानी t की पावर हो गया 2 x के 2n माइनस 2 इंटू dx के प्लेस पर 2t इंटू dt, राइट। अब ये t की पावर एक या कम कर देगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर नेगेटिव t स्क्वायर t टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू dt, या आप गामा n को इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x x टू द पावर 2n माइनस 1 dx, राइट। ये आ गया जी इसका भी प्रूफ जी, राइट। तो इस सेक्शन में इतने रहने देते हैं और आगे बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज लेकर डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।